इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन, प्रदीप जी बड़जात्या जी से निवेदन है और गदिया जी आपसे हमारा निवेदन है और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद जी, अंकित जी, विमला देवी शिवानी लखनऊ से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए आज के चित्र के सम्मुख पापड़ीवाल जी आप भी आए और आपसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्र अति शीघ्र। चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम, चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम, डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम, डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम, चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु भगवान, चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम, डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम, डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु। बोलिए स्थल तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, शरद पूर्णिमा महोत्सव की। कल हमने सानंद पूर्वक शरद पूर्णिमा मनाई, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाई। आप सभी को शरद पूर्णिमा की पुनः अग्रिम बधाई, अगले वर्ष के लिए भी ऐसा सौभाग्य हमेशा चंद्रगिरी को मिले कि शरद पूर्णिमा का पर्व हमेशा चंद्रगिरी पर मनाने का हमको सौभाग्य मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। और मैं प्रथम सांस भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद जी, अंकित जी, विमला देवी शिवानी, रिदान सिंगापुर लखनऊ से हैं, आप आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने के लिए आप आए लखनऊ से पधारे। दोनों महानुभाव से दो व्यक्ति आएंगे, भाभी जी को बुला शीघ्रता से आप जाए। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक बेदी छत्र चंवर भामंडल सहित जिनका नाम है लखनऊ वाले उन्हें आने दे शीघ्रता से, भाभी जी आ जाएं। आपने छत्र चंवर भामंडल सहित एक बेदी के लिए 151,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। पद प्रभु भक्त परिवार लाभांडी जहां आचार्य भगवान ने पिछले 5 साल पहले पंच कल्याणक का सौभाग्य दिया था, वहां से चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में उस समय जब पंच कल्याणक हुआ था 5 परिवार थे, आज वहां पर 50 जैन परिवार विराजमान है, तालियां बजाकर अनुमोदना। वे संयुक्त रूप से यहां आए हैं और उन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित गौशाला के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दो व्यक्ति लाभांडी परिवार से आप भी आए और आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से दो लोग आ जाएं। तनिषा मनोज जी पाटनी निपाणी कर्नाटक से पधारी हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले मंदिर के लिए सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दी है, सोने का दान सबसे उत्कृष्ट दान होता है, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना ताकि आपके भी भाव बने और आप भी मंदिर निर्माण में सोने का दान करें। आपको चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट विश्वास दिलाती है कि आपके दिए हुए सोने के दान सोने से सिर्फ मंदिर निर्माण के कार्य में और जनबिंब के स्थापना में ही आपका सौभाग्य प्राप्त होगा। डीसी जैन साहब बंबई से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुसुम लता जी जैन परिवार, विपुल जी, दीप्ति जैन दिल्ली, आपने भी सांस भेंट करने के लिए एक सीढ़ी सरोवर की योजना की एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है, तालियां बजाकर अनुमोदना दान की। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहाँ है कागज इनका?
कुसुम लता जी दिल्ली परिवार, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप भी शीघ्रता से देखो ना, कहां पूछो ना, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पिछले दिनों कौन सी प्रतियोगिता हुई, हाइको प्रतियोगिता, उसमें लगभग 8,000 से भी ज्यादा भारत और भारत के बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूज्य निर्यापक स्वामी प्रसाद सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद गुरुवर के आशीर्वाद के साथ रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और सभी लोगों ने बहुत बहुत धर्म ध्यान किया है। और 20 एक नवी घोषणा हो रही है, क्या नाम से? हाँ चलिए आप भी आइए, कर्नाटक से हैं, महाराष्ट्र से पधारे हैं, आप भी आए सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नाम बोलिए। संजय संध्या जैन टीकमगढ़, आपने सोने के कान के वाले मंदिर निर्माण में दान दिए हैं, सोने के कान के बाले स्वर्ण दान के लिए अनुमोदना, आप अपना नाम लिखा दें यहां पर और श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 20 तारीख 21 और 22 तीन दिन 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक त्रिदिवसीय आयोजन है। प्रणामांजलि आचार्य श्री विद्यासागर पाठ्यक्रम पुस्तक में आधारित है, आचार ज्ञान सागर प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का नाम क्या है? आचार ज्ञान सागर प्रतियोगिता। ऑनलाइन प्रतियोगिता है, खुली किताब प्रतियोगिता है। www.vidyasagar.guru पर हम जाकर इस पुस्तक पे प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। सभी लोग एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आचार ज्ञान सागर प्रतियोगिता प्रणामांजलि पुस्तक जो आचार ज्ञान सागर जी द्वारा उस आधारित है, उसका विमोचन होने जा रहा है। बीस 21 22 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर पाठ्यक्रम प्रणामांजलि पुस्तक पर आधारित आचार ज्ञान सागर प्रतियोगिता ऑनलाइन खुली किताब www.vidyasagar.guru पर आचार्य पदारोहण प्रसंग पर उसका विमोचन हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिन महानुभावों के नाम हम तक पहुंचे थे, हमने सभी के नाम को शामिल करने की कोशिश की। श्री जय कुमार जी रावंका के सुपुत्र, पवन कुमार जी, कांता देवी जी, आपने प्रतिभा स्थली के लिए 11,000 रुपए, गौशाला के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। और आज के पूजन का, सामूहिक पूजन का सौभाग्य लाभांडी पद्मनाभ जैन मंदिर को प्राप्त होता है। और शैलेंद्र सिंह साधना जी भिलाई एक गौशाला के लिए 1,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। हेलो, ये तो है। हेलो हेलो हेलो, जय बोलो संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और एक मिनट, एक सूचना है आचार्य भगवान द्वारा। हाँ उधर लिखा, इधर इधर लिखा ना। एक सूचना है आचार्य भगवान द्वारा लिखित हाइको और आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी और उसके साथ एक पुस्तक का किट, जिसकी अरे उधर बात कर लो ना आप, जिसकी पुस्तक का मूल है 500 रुपया, वो आपको चंदगिरी पर रियायती दरों पर मात्र 200 रुपए में उपलब्ध हो रही है। कहां से लेना है? सामने चल चरखा केंद्र से एक किट तैयार की गई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के चंदगिरी तीर्थ पर आपको मात्र 200 रुपए में आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको, मूक माटी और भी उसमें 3-4 पुस्तकें हैं, उनका किट है। तालियां बजाकर अनुमोदना। जय कुमार जी जैन रावंका के सुपुत्र, पवन कुमार जी, कांता देवी, विनोद कुमार, सिसुला जैन, अजय, पंकज उन्नयन, सभी पूरे परिवार की ओर से 2 सोने की अंगूठी, 11,000 रुपए प्रतिभा स्थली में, 11,000 रुपए गौशाला में दान में दिए। दान की बहुत बहुत अनुमोदना। लावांडी परिवार से निवेदन है आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरुवर के दर्शन से मिले चारो धाम। जय
वेदिका पर वेरा जो गुरु आज, हृदय वेदिका पर वेरा जो गुरु आज। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा के कलशी को भरने में आया। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति। चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामिति। गुरुवर में आनंद के झरने जरे है, अक्षय पद गामी को वंदन करे है। श्रवण संस्कृति के है गुरुवर, श्रवण संस्कृति के है गुरुवर मिसाल, चरण पाके गुरुवर। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पावीति। वेद ज्ञान बगियर में गुरुवर विचरते, चारित सौरभ से पल पल महकते। भक्त भ्रमर बन आया गुरु ज्ञान बाग, मुझे भी पिला दो गुरु रस भी तेरा। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय काम वाण विद्यासनाय पुष्पम निपामिति। शुद्ध आत्म अनुभूति रस चख रहे हैं, बाहर में रह कर भी आत्म लख रहे हैं। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। गुरुवर में मूरत में प्रभु की छवि है, बुझे हुए दीपक हम गुरुवर रवि है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निपामिति। जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है, दुखों का कारण राग द्वेष ही है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। पाप कर्म फल में निराशा नहीं है, पुण्य के फलों की भी आशा नहीं है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्ग पाओ यही भावना है। जय हो प्रभु। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अनप्राप्ताय अर्घम निपामिति। हाँ, एक सूचना है, जो हाइको प्रतियोगिता हुई
उसका पुरस्कार वितरण चंद्रगिरी के इसी प्रांगण पर 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे उनके पुरस्कार विजेताओं को, जिनमें 8,000 से भी ज्यादा भारत और भारत के बाहर से लोगों से हिस्सा लिया, मेरी आवाज जहां तक जा रही है सभी से मैं निवेदन करता हूं 5 नवंबर को ठीक 1 बजे अंतरराष्ट्रीय हाइको प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ससंग चरण सन्निधि में यहां पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तालियां बजाकर आपसे अनुमोदना, सभी लोग पहुंचे और सभी पुरस्कार विजेताओं को हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, उनकी सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, आप सभी को विशेष आमंत्रित करते हैं। और महाअर्घ मैं चाहता हूं सभी लोग मिलकर एक साथ गा लें। आत्मा शुद्ध गुण मित्र गुरु के स्वात्म चतुष्टव ग्रह प्यारा, वेद ज्ञान के दीपक जलते जग को देते उजाला। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज जिनका कल दीक्षा दिवस था उनके पावन पुनीत चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुख माटी रचित आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, युग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। एकमात्र भारतीय संस्कृति में जो बात देखने में आती है मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी कैलेंडर में तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारतीय जो हमारा कैलेंडर है पंचांग चलता है उसी में बस आता है अमावस्या या पूर्णिमा। 1, 2, 3, 4 तारीख हैं, डेट हैं, तिथि तो दोनों में मिल जाएंगी, लेकिन अमावस्या शब्द ना अंग्रेजी भाषा में है ना कैलेंडर किसी भी भाषा में भी नहीं है, एकमात्र भारतीय भाषाओं में भारतीय पंचांग में ही अमावस्या और पूर्णिमा आता है। अब भारत में आप लोग 12 अमावस्या मनाते हैं, 12 पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, होली की पूर्णिमा, रक्षाबंधन की पूर्णिमा और भी ऐसी कई पूर्णिमाएं आप मनाते रहते हैं, आप नाम सुना होगा ना, एक गोजा पूर्णिमा भी होती है। लेकिन एक मुख्य रूप से इसमें पूर्णिमा जो होती है उसमें गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। जिस दिन आज भगवान महावीर स्वामी श्रवण शरण में इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे थे, उनका मान गल गया था और उस समय उन्होंने गुरु चरणों में जाकर के दीक्षा ली थी, उनसे निवेदन किया था, तो एक उन महावीर स्वामी गुरु महाराज के चरणों में एक शिष्य पहुंचा था और उस शिष्य को एक गुरु का लाभ मिला था। कल शरद पूर्णिमा थी, उसका महत्व जानते करते हैं। हमारे लिए तो कल की जो शरद पूर्णिमा है आपके लिए तो शरद पूर्णिमा एक ही हो सकती है, पूर्णिमा संबंधी या जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं गुरु पूर्णिमा एक हो सकती है। हम 10 दीक्षार्थियों के लिए तो गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा एक ही मानी जाती है, एक ही है, क्योंकि कल के दिन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा दिन हमको गुरु महाराज के चरणों की सेवा मिली थी, उनके द्वारा हमको यह उपहार स्वरूप पिच्छी हमको प्राप्त हुई थी। गुरु शब्द बता ही रहा है, अंग्रेजी भाषा में इसके लिए सब बहुत से आएंगे गॉड टीचर, लेकिन भारतीय संस्कृति में गुरु शब्द बस आता है जिसका अर्थ होता है गा मतलब होता है जो गंभीर होते हैं, रा मतलब जो रहस्य का उद्घाटन करने वाले होते हैं, क्या रहस्य आगम का शास्त्र का, क्या भगवान की वाणी किस प्रकार से हुई, उसमें क्या अंदर अर्थों का क्या गूढ़ रहस्य है, इसको बताने वाले तो गुरु रहस्य को बताने वाले होते हैं।
और उस शब्द बता रहा है कि वह उदार होते हैं जो गंभीर हो, उदार उदार नहीं उदार हो, और जो कि ऐसे रेस्ट को बताने वाले होते हैं। और ये भी बता देते हैं, आप गुरु चरणों में प्राश्चित लेने पहुंचते हैं ना, आपने अपनी क्या बात बताई है, ऐसा रहस्य गुरु किसी को भी नहीं बताते हैं, सिर्फ गुरु को मालूम रहता है और जो प्राश्चित रहता है उसी बस को मालूम रहता है। तो कभी भी किसी का रहस्य बताते नहीं है, दोनों ला के अर्थ समझ लेना। आगम का रहस्य बताने वाले गुरु होते हैं और कोई भी शिष्यों के किसी भी श्रावक के रहस्य को बताने वाले नहीं होते हैं। ऐसे गुरु शब्द एकमात्र भारतीय संस्कृति में ही मिलता और कहीं पर भी नहीं मिलता है। गुरु कितना बड़ा होता है, समय से बढ़ के गुरु होता है। किसी ने प्रश्न किया, गुरु और समय में क्या अंतर है, गुरु और समय में क्या अंतर है। यहाँ प्रतिपोशली की सभी छात्राएं बैठी हुई हैं, उनको सब बहनें पढ़ाती रहती हैं, क्लास कक्षाएं लेती रहती हैं ना। हम आपसे पूछ रहे थे, गुरु और समय में क्या अंतर है, एक लाइन में अंतर बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। समय क्या कहलाता है, समय पहले परीक्षा लेता है, बाद में सिखाता है। हम चल रहे थे, लापरवाही हो गई, ठोकर खा गए। किसी ने बोला, हाँ ऐसे बुद्धि नहीं आएगी, ठोकर खाने के बाद ही बुद्धि आती है। तो उस समय ने पहले परीक्षा ली, बाद में सिखाया। और जो गुरु होते हैं पहले सिखाते हैं बाद में। परीक्षा हो गई आप लोगों की, नहीं हुई बच्चों, हो गई ना। तो गुरु पहले सिखाते हैं बाद में परीक्षा लेते हैं। जो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं, जो अपनी प्रज्ञा रूपी प्रकाश से हम सबके जीवन को प्रकाशित करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु आचार्य महाराज जी होते हैं। इसलिए कल आचार्य जी ने कहा भी था, अभी संचालक ने किया ना, बताया ना कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य श्री महाकवि इक्ष्वाकु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की प्रतियोगिता होने वाली है, परमांजलि पर आधारित है। संयम स्वर्ण महोत्सव पर एक पत्रचार पाठ्यक्रम का एक प्रस्तावना उसकी प्रस्ताव हुआ था, उसमें 12 से 15 हजार लोग सदस्य बने थे। उनकी भावना थी कि हमको कुछ इसके प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो फिर www.vidyasagar.guru और यहाँ की कमेटी ने एक आयोजन किया कि क्यों ना जब आचार्य जी ने कल कह दिया है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं और आचार्य परमिष्ठित 36 मुलुकट धारी होते हैं, तो ऐसे 36 मुलुकट धारी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के परम गुरु, 36 मुलुकट धारी ऐसे महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी पर आधारित हम क्यों ना ज्ञान का अर्जन करें, उनके जीवन को समझें, उनके व्यक्तित्व को समझें। इसलिए छत्तीसगढ़ में रहने वाले आप सभी लोग कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर 36 मूलगणधारी युग के महान आचार्य विराजमान हैं और आप लोग बड़ी भक्ति से पूजन करने भी आए हैं। लिखा हुआ भी है, 36 गुणी गुरु हमारे, हम 36 गाड़ी। कई बार नारा लगाते यहाँ के लोग, 36 गड़िया सबसे घटिया बढ़िया, हाँ सबसे घटिया नहीं सबसे बढ़िया। तो ऐसे अपन गुरु की आचार्य की उपासना करते रहते हैं, क्योंकि देव शास्त्र की उपासना से हमको लाभ होता है। ले ऐसी लाभ की मंडी है, लोग कहते अनाज की मंडी होती है, फलस मंडी होती है, गल्ला मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, ये तो ऐसी मंडी है कि सभी धर्मों का इसमें समान अहिंसा धर्म की मंडी कहलाती है। इसलिए लाभांडी वालों सुन लो, यहाँ हमेशा लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसी मंडी है। आगे दीपावली आने वाला है, दीपावली त्योहार आने वाला है, शुभ लाभ कहते रहते हैं ना। तो लाभ कैसे प्राप्त होगा, जब हम देव सास गुरु की भक्ति आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तभी सच्चे अर्थ में हमको लाभ मिलेगा। गुरु रहस्य को बताने वाले होते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझको भूख लगी है, क्या दे रहे हैं आप लोग, अभी संचालक कहते ना यहाँ पर आकर सभी लोग श्रीफल चढ़ाएं। तो उससे कहा कि श्रीफल ले लो आप, बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है, इससे पौष्टिक भी होता है, दांत भी अच्छे मजबूत होते हैं, आंत भी मजबूत होती हैं। नारियल जिसको बोलते हैं ना, श्रीफल नारियल होते हैं ना, इसको आप उपयोग करो, बहुत पौष्टिक होगा, बहुत अच्छी बात है। उसने नारियल ले लिया। अब नारियल उसने क्या किया, फल है बहुत अच्छा है, फ्रूट है, अब नारियल ड्राई फ्रूट में भी आता है,
और फ्रूट भी जाता है, गीला नारियल होता है वो तो साहब से, उसको ड्राई फ्रूट्स के रूप में सूखा नारियल दे दिया गया। अब उसने खाना चालू किया, जटा निकालना चालू किया उसको, एक फल तो है खाना है, एक जटा निकाली, दो जटा निकाली, अरे आपने कहा था दांत मजबूत होते हैं, दांतों से खून आने लगा, ये सही बात आपने नहीं बताई, कोई बात नहीं। उसने जैसे जैसे करके उस जटा को निकालना चालू किया, अब जटा निकल गया, अब नरेटी आई, अब उसको दांत से, उसने इस खाना अच्छा मजबूत पौष्टिक होता है, उसने दांत से उसको भी तोड़ना चालू किया, अब दांत भी टूट गए उसके। आप कह रहे थे पौष्टिक होता अच्छा होता है, नारियल कहलाता है, श्रीफल कहलाता है, उसको भी खाना चालू किया, उसे दांत टूट गए, उसका दिमाग खराब हो गया, एक कैसे आप इंडियन, कैसे इंडियन है तू, तुम मुझको मुझे धोखा दे दिया। मैंने से धोखा नहीं दिया, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं भारतवासी हूं। उसने जवाब क्या दिया भारत व्यक्ति ने, मैं भारत का वासी हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, इंडियन लोग आपके लिए कुछ भी घुमा सकते हैं, हम भारतवासी सच्चे और सरल हैं। आप समझो तो हमने क्या कह रहे थे, हमने कहा था नारियल पौष्टिक होता है, अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है और लाभ करता है स्वास्थ्य के लिए, दिमाग सबके लिए लाभ करता है, इसको खाना कैसे ऐसा खाया जाता क्या? आप पूरी बात तो समझी नहीं, इसको ऐसे नहीं खाया जाता है, पहले इसकी जटाओं को उखाड़ा जाता है, फिर उसको नारियल को फोड़ा जाता है, उसको कड़ापन अलग किया जाता है, अंदर मुलायम जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट सफ़ेद रंग का जो जिसको गरी कहते हैं, वो गरी निकलती है, उसका लाभ मिलता है, सब कहीं जाकर उसका लाभ मिलता है शरीर, तब वो आप भोजन उस खाएंगे तब उसका आपको लाभ मिलेगा, ऐसा होता है। अच्छा ऐसी बात है, ऐसे रहस्य को बताने वाले ही गुरु महाराज होते हैं। हम लोग को पता नहीं था कि कैसे क्या अज्ञान में हम फंसे रहे, भ्रमण करते रहे संसार में, गुरु महाराज की कृपा हुई, आचार्य परमेश कृपा हुई, जिनवाणी कृपा हुई, उस रहस्य को बताने वाले गुरु महाराज मिले हैं कि यदि आपको अपनी आत्मा का रहस्य जानना है, उस गरी का रहस्य जानना चाहते हो तो पहले जटाओं को उखाड़ो। जो जटाएं आपने केशवंश है, पहले केशवंश करो, केशवंश करो पहले, उस जटाओं को अलग करो, जो ऊपर कड़ापन है, जो परिग्रह है, द्रव्य क्षेत्र वस्तु आदि जितने भी हैं, कपड़े आदि धन दौलत हैं, उन सब कड़ापन को अलग करो, उसके बाद में भगवान की आराधना करो, अपने अंदर जाओ, पंच परमेश्वर की आराधना करो, सब जाकर के उस गरीब फल का आपको लाभ मिलेगा। हमको गुरु कृपा से इस गरीब फल का लाभ लेने का, हमने कल के दिन शरद पूर्णिमा में ऐसे 10 दीक्षार्थियों ने लाभ लिया था, जिसमें पूज्य मुनिश्री अपूर्व सागर महाराज जी हैं, निरापक मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज जी हैं, पूज्य मुनिश्री विनीत सागर जी महाराज जी हैं, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज जी जो गुणायतन में हैं, पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर महाराज जी इटारसी में हैं, पूज्य मुनि श्री पाय सागर महाराज जी हैं, पुण्य सागर जी महाराज जी हैं, और समाधिस्थ मुनि श्री प्रवचन सागर महाराज जी हैं। आखिरी में हमारा भी नंबर लग गया था, दे रहा है आखिरी मिला, बहुत बड़ी बात है, मिल तो गया। कोई ने बोला कि हम भव्य की अभव्य हैं, हम गुरु चरणों में आ गए, भगवान की चरणों में आ गए, प्रभु की आराधना करने लगे, ये समझ लें हम तो भव्य ही हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा हाइको लिखा था, उस हाइको में आपको बता देते हैं, उसमें पथ को कभी मिटाना नहीं होता, पथ पर चलो, पथ को कभी मिटाना नहीं होता, पथ पर चलो, पथ पर चलते रहेंगे अपने आप रास्ता बनता जाता है, लोग चलते जाते हैं आते जाते हैं, अनादिकाल से अहिंसा का पथ बना हुआ है, इसी पथ पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान ही चले हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान से लेकर के आचार्य समंत बद्ध वीर स्वामी और आचार्य पूरे शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर महाराज जी और आचार्य महाराज जी पथ पर चल रहे हैं, शिव पथ चलते और चलाते औरों को भी भाग्यमा। तो ये वास्तव में क्या है, अन्य शब्दों में आपको तो अर्थ बस शब्द बस मिलेगा, गुरु शब्द में भाव भंगिमा होती है, गुरु शब्द में एक भाव भाषण होता है, इस भाव भाषण से ही हमारे लिए वह होता है। हम लोग कहते हैं हम तो मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, कहाँ पर मिलने जा रहे हैं, इस संसारिक लोगों से मिलना होता है, गुरु चरणों में तो
ऐसा मिलना होता है, घुलना मिलना होता है। अब भगवान के दरबार में मिलने मत जाओ, यहाँ पर घुलने मिलने आओ। घुलने मिलने आओगे तभी प्रभु वे गुरु आपके पापों को घोल देंगे, साफ कर देंगे, अपना जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद देंगे, संबोधन देंगे। अब हमारी किस्मत जैसी हो वो हम तो जानते नहीं है। सूर्य तो आया, सूर्य ने अपनी घंटी बजाई, प्रकाश हुआ, सब हुआ। यदि हम जाग गए तो हमको उस प्रकाश का लाभ मिलेगा, उष्मा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, और यदि हम सोते रहे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। उसे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्म उपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने दामंद मानस ममास्तु देव।